हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस खास खबर में। जी हां दोस्तों, आज की इस खास खबर में हम जानेंगे सोने और चांदी के ऊपर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही में सरकार की ओर से दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जो बहुत ही अच्छी खबर है। तो फटाफट से इन तीनों खबरों को हम जान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, तो आज की पहली बड़ी खबर है, अब सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा आपका पैन कार्ड, सरकार ने दी संसद में जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड बनने के लिए लगभग 14 से 15 दिन लग जाते थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रियल टाइम बेसिस पर ई पैन जारी करने के लिए एक प्रोसेसिंग सेंटर पर काम कर रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को संसद में दी गई थी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी कि रियल टाइम पैन और टैन प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि RTPC बनाने वाले पर विचार कर रही है और वहीं उसके चलते रियल टाइम बेसिस 10 मिनट से भी कम समय में आधार बेसिस EKYC के जरिए ई पान जारी हो सकेगा, जिससे कि पैसा और समय दोनों ही बच जाएगा। अच्छा, तो अगली बड़ी खबर है कि 21,000 रुपए तक की सैलरी वालों को सरकार का तोहफा, अगले महीने से इतनी ज्यादा होगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी हर महीने 21,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है तो इस महीने से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। यह फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू हो चुका है। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत कर्मचारियों के कॉन्ट्रीब्यूशन में कटौती कर दी है। अब इस कटौती के बाद कर्मचारियों को अगस्त महीने से ज्यादा सैलरी मिलेगी। अच्छा, तो दोस्तों आज के सोने और चांदी की बात करें तो सोने के भाव में 600 रुपए की गिरावट देखी गई है। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में मंगलवार को 600 रुपए की गिरावट आ गई। दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% वाला सोना यानी कि शुद्ध सोना 34,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं 99.5% वाला शुद्ध सोना 34,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और स्थानीय ज्वेलर्स की ओर से मांग की कमी की वजह से सोने की भाव में जो है गिरावट देखी गई है। और वहीं चांदी हाजिर का भाव 48 रुपए घटकर 38,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। चलिए, तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है और इस वीडियो को लाइक करना है। सही जवाब देने वाले विजेताओं को मिल सकते हैं कई सारे गिफ्ट और पेटीएम कैश। धन्यवाद। जय हिंद।